Hey everyone, I hope you all are doing good. So this is the fifth lecture on vector space and today we'll be doing two theorems on vector space. So again, हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक वेक्टर स्पेस और एक फील्ड, और उसके एलिमेंट हैं अल्फा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और एक्स और वाई वेक्टर के एलिमेंट दिए हुए हैं. एंड वी आर प्रोवाइडेड कि अल्फा एक्स माइनस वाई को हमने अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई के इक्वल करना है. सो फॉर दिस वी हैव टू यूज़ अ सिंपल अप्रोच. देखो, अल्फा एक्स माइनस वाई को आई कैन राइट एज अल्फा एक्स प्लस माइनस वाई, राइट? कोई डिफरेंस नहीं होगा, माइनस प्लस विल बी माइनस. नाउ हमें पता है कि ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट है अल्फा, राइट? अब ये जो अल्फा है ये इन सारे एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस एंड आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ द आंसर विल बी अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट माइनस वाई, राइट? नाउ वी हैव स्टडीड दैट अल्फा डॉट माइनस वाई को आई कैन राइट एज माइनस अल्फा डॉट वाई, राइट? वॉट इज दिस? दिस वॉज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी विच वी हैव स्टडीड अर्लियर. आई लिंक इट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ सो आई कैन राइट एज अल्फा डॉट एक्स प्लस माइनस अल्फा डॉट वाई, इसको ऐसे लिख देंगे. नाउ सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस है, इसको भी आई कैन राइट सिंपली कि अल्फा डॉट एक्स माइनस अल्फा डॉट वाई. एंड दिस वॉज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी एंड वी हैव प्रूव्ड इट. ठीक है, देयरफॉर अल्फा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स माइनस अल्फा डॉट वाई. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, सो सेकेंड थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है दैट अल्फा डॉट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इधर अल्फा ज़ीरो होगा या तो एक्स ज़ीरो होगा, राइट? अब देखो, टू डॉट ज़ीरो अगर ज़ीरो है, सी इसको एक्स मानते हैं इसको वाई, या तो अभी यहाँ पर क्या है, वाई ज़ीरो है तो हमारा रिजल्ट आ गया ज़ीरो, या तो ज़ीरो डॉट टू भी करते तब भी हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आता, राइट? तो यहाँ पर वाई ज़ीरो हुआ और यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी है तो हमारा रिजल्ट आ गया है ज़ीरो. सो एक्स और वाई में से कुछ भी अगर ज़ीरो होगा तो इन द रिज़ल्ट वी गोना गेट द आंसर एज ज़ीरो. सो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है. लेट्स प्रूव इट नाउ. सो फॉर द प्रूफ, फर्स्टली आई विल से दैट देखो, अगर तो अल्फा ज़ीरो है सो अल्फा डॉट एक्स, तो आंसर मेरा ज़ीरो ही हो जाएगा, राइट? अल्फा फर्स्ट एलिमेंट, ये ज़ीरो है, ज़ीरो डॉट टू कर दो तो रिज़ल्ट मेरा ज़ीरो आ जाएगा. सो नथिंग टू प्रूव, राइट? सो आई विल राइट देन नथिंग टू प्रूव, then nothing to prove, because क्या होगा, that alpha dot x जो है वो तो ज़ीरो आ ही जाएगा, फिर alpha dot x ज़ीरो आ जाएगा, right? so एक element हमने बता दिया कि alpha अगर ज़ीरो है तो result हमारा ज़ीरो आ रहा है. now somehow हमें बताना है कि x भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, और फिर भी हमें जो result है वो ज़ीरो मिलेगा. उसके लिए see what if I say कि suppose alpha जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने अल्फ़ा को ज़ीरो किया था, बट अगर अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है और कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है वो, तो क्या होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ओके, रिमेंबर दैट डॉट का यूज़ हुआ है. सो मल्टीप्लिकेशन, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर टू भी है तो उसका वन बाई टू एग्जिस्ट करेगा, राइट? सो हियर आई विल से दैट देयरफॉर जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो भी बिलोंग करना चाहिए फील्ड में. अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी फील्ड में बिलोंग करेगा. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो है अगर, तो अल्फ़ा इन्वर्स को भी इस अल्फ़ा से ऑपरेट करा सकते हैं, राइट? अल्फ़ा एक्स इसको ऑपरेट करा सकते हैं और ये हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इन्वर्स ज़ीरो, दोनों तरफ अल्फ़ा इन्वर्स से ऑपरेट करा दिया. नाउ वी नो दैट वेक्टर स्पेस में एसोशिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. अगैन इफ़ यू डोंट नो वट इज एसोशिएटिव प्रॉपर्टी यू कैन वॉच. नाउ ये आंसर आ जाएगा एक्स एंड अल्फा इन्वर्स ज़ीरो. नाउ अल्फा इन्वर्स को जब हम अल्फा से ऑपरेट कराते हैं, किसी नंबर को किसी उसके इन्वर्स से ऑपरेट कराओ, तो आंसर में क्या मिल जाता है, वन, और ये हो जाएगा एक्स. नाउ यहाँ पर आती है बात कि वॉट विल बी द आंसर ऑफ अल्फा इन्वर्स ज़ीरो. हमने ये भी थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ा है दैट ये अल्फ़ा क्या है, फील्ड का एलिमेंट है. सो कोई भी ए डॉट ज़ीरो पढ़ा था,
इट वॉज अल्फा डॉट जीरो पड़ा था, तो रिजल्ट क्या आया था, जीरो ही आया था. गिवन दैट जो अल्फा है ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट था. ये चीज़ हमने पढ़ी थी पहले, राइट. सो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट विल ऑल्सो बी जीरो. नाउ लेट्स पुट इट इन द आंसर. एंड ओके यहाँ पे लिख देना, बिकॉज अल्फा इनवर्स जीरो इज इक्वल टू जीरो. नाउ वन डॉट एक्स. अब देखो कोई भी नंबर अगर अपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से ऑपरेट हो रहा है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, वही वाला नंबर मिल जाता है. और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम हटा देते हैं, सो एक्स की वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई. वी गॉट द एक्स एस ज़ीरो. यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. सो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट अब अल्फा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, राइट. देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट ईदर एक्स ज़ीरो होगा और अल्फा ज़ीरो होगा. बोथ केसेस में हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिल रहा है, अल्फा डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है. एंड दिस इज़ इट. ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो.